अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का तीसरा दिन और मॉर्निंग में मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जी आलू बॉईल कर लिए और ये कल का कीमा पड़ा हुआ था। कीमे के अंदर मैंने ये प्याज, हरी मिर्च और बंद गोभी को बहुत ही अच्छे से चॉप करके ऐड कर लिया और ये जी आलूओं को मैश कर लिया। इनके अंदर फिर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, भुना कुटा जीरा और धनिया, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च ऐड करके कीमा ऐड कर दिया और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जी ये मेरा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैं अपने बर्गर और सैंडविच में यूज़ करती हूँ, मेयोनीज के अंदर। ये गार्लिक सॉस जो है वो खुद से घर में बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये लाजमी आप ब्रेड पे लगाएं, इससे टेस्ट आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार होता है। जो आपको फूड स्ट्रीट में बर्गर और सैंडविच अच्छे लग रहे होते हैं उनकी वजह यही होती है। ये जी सैंडविच मेकर को हीट अप कर लिया, हीट अप करने के बाद उसकी रेड लाइट ऑन होगी तो उसे निकाल लिया। चाय के साथ और सैंडविच के साथ मॉर्निंग नाश्ता हो गया। उसके बाद बारी आ गई, क्योंकि मॉर्निंग बहुत लेट हमारी हुई थी, हम लोग उठे ही 11 बजे थे तो 12 एक बज गया था हमें नाश्ता करते करते। अब हम लूडो को इंजॉय कर रहे हैं और लूडो हमारा तो भाई फैमिली खेल है। मैं सबसे पहले खुली थी, कहते तो यही है कि जो सबसे पहले खुलता है वही हार जाता है, लेकिन जी मैं हारी नहीं थी, मैं जीत गई थी। आप लोगों को पूरी गेम दिखाऊंगी शॉर्ट शॉर्ट्स में, लेकिन ये था कि भाई पंजाब से आए हुए थे तो मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक मज़े की बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि छोटा भाई आया हुआ था मेरा और वो बहुत ही ज़िद कर रहा था कि नहीं नहीं आप यार लूडो खेलनी है, लूडो खेलनी है। लेकिन जो है वो हमने 3-4 बार खेला और वो बेचारा हार गया। ये ग्रीन कलर जो है वो उसने लिया हुआ था, फिर पहले उसने रेड लिया, फिर उसने ग्रीन लिया, फिर उसने येलो लिया कि मैं किसी कलर से जीत जाऊँ, लेकिन भाई कलर से तो कोई नहीं जीत सकता। सो खैर ये एट द एंड गेम का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो रेड पार्ट है वो जीत गया था और ये लोग रह गए थे एंड में, लेकिन बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद बारी आ गई जी दोपहर के खाने की, तो फिर मुझे बनाना था यखनी पुलाव। मैं इन कामों में बहुत तेज़ हूँ कि जब मैं खेल रही होती हूँ या कुछ कहीं बिजी होती हूँ किसी के साथ, तो साथ साथ मैं कुकिंग का काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने गोश्त जो है वो बीफ उसको पहले गलाने के लिए रख दिया था, प्याज और थोड़े से मसाले डाल के। और ये 15 मिनट में मेरी बहुत ही मज़े की बीफ यखनी तैयार हो गई। ये ऑयल के अंदर प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से ब्राउन चावलों के अंदर। और जी उसके बाद इन्हें थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने जो यखनी तैयार हुई थी उसको एक साइड पर कर लिया और बीच में से गोश्त और मवाद को निकाल के जो है उसके अंदर फ्राई कर लिया, क्योंकि भूनना तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने इसके अंदर डाल के भून लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन दोबारा से शामिल कर दिया, उसके अंदर काले मिर्च, नमक वगैरह डाल दिया। और जी सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरा था जी इमली का पेस्ट, क्योंकि पुलाव में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए जाते, जो सिंपल सिंपल सा रखा जाता है, तो इसके अंदर जो इमली का पेस्ट बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद ये चावल 15 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए थे वो हमने ऐड कर दिए, यखनी ऐड कर दी और जी ये ऐसा ऐसा हमारे चावल पक रहे हैं। और जी ये हमारे चावल हो गए हैं पक्के तैयार। साथ के साथ मैंने सैलड और रायता भी तैयार कर लिया था और जी ये चावल मैं प्लेट पर निकाल रही हूँ। निकालने के बाद हम लोगों ने बहुत ही मज़े से खाए और इसके बाद हम लोगों ने जाना था दोदरिया, क्योंकि पंजाब से कोई कराची आए और उसे हम समंदर की सैर न कराएं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ईद का तीसरा दिन है और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे बहुत आवाम आई हुई थी भाई। लेकिन दो दिन यहाँ जाना मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है, एक तो यहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं, ये वॉल बनी हुई है, इस वॉल पर हम सुकून से बैठ जाते हैं और बहुत देर में और मेरे हस्बैंड बातें करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना भाई को भी यहाँ की सैर कराई जाए। और उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि घर में कोई स्वीट नहीं बनाया था, मैंने जस्ट मैंने राइस रेडी किए हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने कोई स्वीट भी इंजॉय करना था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे कबाब चीज़ पे बहुत अच्छे स्वीट्स होते हैं, तो हम लोग वहाँ से कुछ इंजॉय कर लेंगे। तो ये पानी का शोर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों के शोर से ज़्यादा पानी ने अपना शोर मचाया हुआ था। और ये देखिए किस तरह आके जो है वो पत्थरों के साथ टकरा रहा था और जी फ़ौरन मेरा भाई तो इन पत्थरों पर चढ़ के जी मेरे फ़ोटो शूट के लिए रेडी हो गए और मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि मेरा बस जल्दी से फ़ोटो शूट कर दें आप। इस टाइम पर सनसेट हो रहा था और हम लोग आगे हैं आप कबाब चीज़ वाली साइड पे, आप कबाब चीज़ में एंटर होने लगे हैं। कबाब चीज़ हॉरर के अलावा और कहीं कबाब चीज़ इतना खूबसूरत नहीं बना हुआ। यहाँ पे एंटर होते सार बहुत सारी किस्म किस्म की वाटरफॉल्स थी, लो बच्चों का प्लेइंग एरिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये सेटअप्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी प्रॉपर हम लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं दोबारा से। फाइनली हम लोग अपस्टेयर्स आए हैं और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से वो मज़ा नहीं आता, जो फर्स्ट फ्लोर से मज़ा आता है समंदर को देखने का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर विजिट करें यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये
देखिए बहुत सारी फैमिलीज, बहुत गैदरिंग हुई हुई थी यहाँ पे, एक ईद का इवेंट भी था इसलिए। और यहाँ पे ये सारा कुछ, सारा मेन्यू कार्ड देखने के बाद, लेकिन खाना तो बेसिकली हमें स्वीट ही था, तो मुझे तो मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से मैंने वही ऑर्डर कर लिया। और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को बहुत प्यास लग रही थी, उन्होंने सबसे पहले लाइम ऑर्डर की बैठ के, और फिर उसके बाद उन्होंने मोल्टन लावा केक एंड आइसक्रीम ही ऑर्डर कर ली। उन्होंने कुछ और नहीं रिकमेंड किया क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया और भाई ये प्लेट उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में सजाई हुई थी, इतना खाने में टेस्टी नहीं था जितना देखने में लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और रिकमेंड अगेन करूँगी कि आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर इनको ख़त्म करने के बाद हो गया जी मगरिब का टाइम और बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा था, फिर हम लोगों को वापस घर भी आना था, तो हम आगे घर वापस। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।